फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ धनिया और पुदीने की चटनी, जिसे बनाना बहुत 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 ही आसान होता है और हम इसे काफी सारे स्नैक्स में यूज भी करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि धनिया और पुदीने की चटनी बैलेंस्ड फ्लेवर में बने। अगर इसमें पुदीना ज्यादा होता है, धनिया ज्यादा है, तो इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो देख लेते हैं, चलिए क्या क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ली है धनिया और 1 कप पुदीना लिया है। अगर आपको पुदीना का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है तो आप पुदीना ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ये जो 2:1 का रेशियो है वो परफेक्ट रेशियो है पुदीने की चटनी के लिए। यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिली यूज की है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 4 या 5 ले लीजिए। मैंने यहाँ 5 से 6 लहसुन की कलियां ली है, 1 चम्मच शुगर लिया है, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट और 1/2 चम्मच नमक लिया है। ब्लैक सॉल्ट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये चटनी भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत 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 ही अच्छी होती है। 1 लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और एक बात कि अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहें चटनी में तो 1/2 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही के इस्तेमाल से क्या होगा कि आप इसे ज्यादा दिन तक चटनी को रख नहीं सकते फ्रिज में। 2 से 3 दिन के अंदर आपको चटनी को खत्म करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। दही के बिना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए हम इसे सारी चीजों को एक मिक्सी में लेके ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, ये सारी चीजों को मैंने एक मिक्सी के बाउल में लिए लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना है हमें, 1/2 कप ही डालेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हो गई हमारी चटनी तैयार। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, हो गई हमारी चटनी तैयार। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, आप इसे देख सकते हैं। इसे ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला मत करिए, इसी तरह से रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह से और रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।